नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कभी कभी इंसान पारिवारिक कलह के चलते ऐसे कदम उठा लेता है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। झांसी के मऊरानीपुर में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक युवक ने फेसबुक पर मरने से पहले अपना वीडियो वायरल कर आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रानीपुर में कुछ सालों से रह रहे मध्यप्रदेश पठारी निवासी राजेश पुत्र ग्यासी प्रसाद उम्र 35 वर्ष ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मरने से पहले राजेश ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो वायरल किया जिसमें आत्महत्या करने की वजह उसने अपने ससुराली जन को बताया है, जिसमें बताया गया है कि युवक की सास ने एक शादी समारोह में उसकी बेइज्जती करती थी और ससुराली जनों की शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी से तंग आकर वो ये कदम उठा रहा है और ससुराली जनों पर कार्यवाही की मांग भी की है। मृतक के भाई ब्रजेश ने बताया कि उसकी ससुराल छतरपुर मध्य प्रदेश के बनगाय में है और उसकी शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी और पारिवारिक कलह से तंग आकर उसने ये कदम उठाया है और छोटे छोटे अपने दो मासूम बच्चों को अनाथ कर गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अभिषेक कुमार राहुल ने बताया है कि परिजनों द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है, तहरीर आने पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मैं राजेश कुमार अपने होश और आवास में ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सास, हमारे ससुर और हमारी छोटी साली कविता, इन लोगों ने हमें इतना डिप्रेशन में कर दिया है कि हम जीने की राह छोड़ चुके हैं। हमारी सास ने मऊसानिया की शादी में 1000 आदमियों के सामने इतनी बेइज्जती की कि उस बेइज्जती को आज तक हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कविता ने हमारी घरवाली को छुड़ा लिया, हमारे बच्चों से बात नहीं हो पा रही, सारका को हमसे दूर कर दिया, इक्कू को हमसे दूर कर दिया, हमारे और हमारी घरवाली के बीच में इतना विवाद करार कर दिया कि आज हम दोनों इस कगार पर पहुँच चुके हैं कि अलग होने की राह पर हो गए हैं। हाँ, कुछ गलतियाँ हमारी घरवाली ने की हैं, वो भी इनकी मजबूरी में आके हमारे घरवाले छुटाए, हमारे माँ बाप छुटाए, हमारे भैये छुटाए, हमारे नाते रिश्तेदार छुटाए हैं। इससे हमें अपनी आत्मा बहुत आहत हुई है। अब मैं जीने की राह छोड़ चुका हूँ, अब मुझे जीना नहीं है। एक बार प्रयास कर लिया, किसकी शक्ल देखनी थी इसलिए मैं बच गया। बस एक आखिरी ख्वाहिश रही थी मेरी कि मेरी सारिका से बात हो जाए, उसकी आखिरी बार शक्ल देख लूँ, यही ख्वाहिश है मेरी। और सभी लोगों से कहना है कि माफ कह देना और इन लोगों को सजा मत दिलाना, इन लोगों को सजा दिलाना। इन लोगों ने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दी। थाना मौरानीपुर क्षेत्र का रानीपुर कस्बे में एक युवा के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया है। पोस्टमार्टम में तो बॉडी भेजा गया है, बाद में पुलिस परिवार वालों के द्वारा पुलिस के संज्ञान में लाया है कि आत्महत्या से पहले इन्होंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करके फेसबुक में डाला है। उस वीडियो में सास ससुर और इनका साली और पत्नी के खिलाफ जो है इन्होंने बयान दिया है, इन्होंने इनकी बेइज्जती किया है, जिसकी वजह से ये आठ होके आत्महत्या करने जा रहा है। इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका छानबीन कर रहे हैं। जो भी सबूत मिलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।